नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड हॉकी को होली में मिला बड़ा गिफ्ट, FIS जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में राज्य के 3 खिलाड़ियों का हुआ चयन। झारखंड हॉकी को होली का बड़ा तोहफा मिला है, FIS जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ी सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुगडुंग का चयन कर लिया गया है। 1-12 अप्रैल को साउथ अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला वर्ल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता के लिए हॉकी इंडिया ने गुरुवार को 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की। झारखंड की सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग का चयन कर लिया गया है। तीनों खिलाड़ी सिमडेगा जिले की रहने वाली है। 20 सदस्यीय भारतीय टीम की कैप्टन झारखंड की ही बेटी सलीमा टेटे को बनाया गया है, जो टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन भी कर चुकी है। गर्मी में पानी की किल्लत दूर करने के लिए झारखंड के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया निर्देश। झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि गर्मी के मौसम में राज्य के लोगों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाकर कार्य प्रारंभ किया जाए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है कि मिशन मोड में चापाकलों की मरम्मत करें, शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। एक अद्भुत नज़ारा, झारखंड के जाने किस जिले में खेली जाती है ढेलामार होली, जाने इसके पीछे अजीबोगरीब मान्यता। झारखंड के लोहरदगा जिले के सेनाहा प्रखंड अंतर्गत बरही चटकपुर गांव का ढेलामार होली जिला भर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में प्रसिद्ध है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि साल संवत कटने के दूसरे दिन लोग धर्म के प्रति आस्था के साथ खूंटा उखाड़ने जाते हैं। इस समय लोग खूंटा उखाड़ने वाले को ढेला से मारते हैं। माना जाता है कि यह असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक है। इसे देखने के लिए जिले के अलावा विभिन्न इलाकों से ग्रामीण पहुंचते हैं। और चौंकाने की बात यह है कि इस ढेला मार होली में मुस्लिम समुदाय के लोग भी खूंटा उखाड़ने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ सभी मिलकर भाईचारे के साथ ढेला मार होली मनाते हैं। राजधानी में बिजली की आंख मिचौली शुरू, 5-8 घंटे की लोड शेडिंग से लोग परेशान। गर्मी शुरू होने के पहले राजधानी में बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई है। पिछले 30 दिनों से राज्य भर में लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग अलग अलग इलाकों में घंटों हो रही है। SLDC के माने तो राज्य में औसतन 200 मेगावाट तक लोड शेडिंग हो रही है। हालांकि होली को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति की बात की गई है। निगम के माने तो राजधानी रांची में पिछले 10 दिनों में 5 घंटे तक बिजली कटौती की गई है। नाकुम पुदांग जैसे इलाकों में बिजली कटौती 8-10 घंटे तक हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में अब कक्षा 10 तक होगी पढ़ाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में अब केवल जूनियर क्लासेस की पढ़ाई नहीं बल्कि अब 10 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से इसकी मंजूरी दे दी गई है। बताते चले कि राज्य सरकार की ओर से बीते साल अक्टूबर महीने में 10वीं तक की पढ़ाई के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से अब इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। होली से पहले ही इतने करोड़ का शराब गटक गए, झारखंडवासी इतने ही को अच्छे अच्छे नहीं पी पाते हैं शराब। रंगों का त्यौहार होली में शराब की बिक्री भी उफान पर है। होली के रंग में खलल का यह भी एक बड़ा कारण होता है। पिछले 2-3 दिनों में अंग्रेजी शराब दुकानों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। इधर 19 मार्च को ड्राई डे के कारण दुकानें बंद रहेगी। शाम के तौर पर आम लोग होली के पूर्व 2 दिनों में शराब की बिक्री भी दोगुनी से ज़्यादा होती है। इस बार भी यही नज़ारा है। विभाग के अनुसार मार्च माह में शराब दुकानों से 5.31 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। सामान्य तौर पर प्रतिदिन शराब बिक्री का राजस्व 15-17 लाख रुपए का ही होती है। होली पर्व पर राजस्व में भारी इजाफा होता है। वहीं कोडरमा जिला का 80% लोग गरीबी की श्रेणी में रहकर सरकारी राशन का भले ही लाभ उठा रहा है, लेकिन यहाँ लोग देसी नहीं बल्कि विदेशी शराब के शौकीन हैं। द कश्मीर फाइल्स ने 7 दिन में दुनिया भर में कमाए 100 करोड़ से अधिक। विवेक अग्निहोत्री निर्देशित द कश्मीर फाइल्स ने रिलीज के 7 दिन में
दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। अग्नेत्री ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, आप सबको होली के 100 करोड़ बधाइयाँ। इस फिल्म में अभिनेता अनुभव खेर के अलावा मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी भी है। 25 मार्च को पटना में बिहार के विधायकों विधान पार्षदों को दिखाई जाएगी द कश्मीर फाइल से। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि फिल्म द कश्मीरी फाइल्स कश्मीरी पंडितों के दुर्दशा पर आधारित है, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा, सरकार ने राज्य के विधायकों विधान पार्षदों के लिए फिल्म दिखाने की विशेष व्यवस्था करने का फैसला किया है। यह फिल्म 25 मार्च को शाम 6:30 बजे पटना के एक थिएटर में दिखाई जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्नोत्री को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। रिपोर्ट्स है कि केंद्र ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्नोत्री को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। वाई श्रेणी के तहत किसी शख्स की सुरक्षा में 4 से 5 सशस्त्र कमांडो की तैनाती शामिल होती है। कश्मीरी पंडिती पर आधारित इस फिल्म की रिलीज के बाद से अग्नोत्री को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहे, विभाजन के समय करतारपुर साहिब का पाकिस्तान में जाना एक गलती थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विभाजन के दौरान करतारपुर साहिब गुरुद्वार को पाकिस्तान में जाने देना एक गलती थी। उन्होंने कहा, जब देश का विभाजन हुआ तब एक गलती हो गई थी, केवल 6 किलोमीटर की दूरी था, क्यों हम चूक गए मुझे मालूम नहीं। बकौल शाह, जो गलती हुई वह आज भी हर भारतीय के मन में टीस पैदा करती है। यह शानदार और आकर्षक लग रहा है मणिपुर में बन रहे नए हाईवे के तस्वीरें व आनंद महिंद्रा। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने मणिपुर के एक नवनिर्मित हाईवे की तारीफ की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पोस्ट को रिट्वीट किया। उसमें मणिपुर में NH-39 के वांगजिंग कोनखांग खंड की तस्वीरें हैं। महिंद्रा ने लिखा, यह शानदार और आकर्षक लग रहा है। मणिपुर का जादू अब और अधिक सुलभ है। ऐसे हाईवे भारत को और भी मजबूती से जोड़ेंगे। आयकर विभाग ने 2021-22 में किया अपने इतिहास का सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के चेयरमैन JB महापात्र ने गुरुवार को बताया कि आयकर विभाग ने 2021-22 में अपने इतिहास का सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन किया है। बकौल महापात्रा, 2021-22 में डायरेक्टर टैक्स कलेक्शन 13.63 लाख करोड़ रहा, जबकि 2020-21 में 9 लाख करोड़ था। महापात्रा के मुताबिक यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 48.4% अधिक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहे, आज़ादी के लिए जीवन बलिदान नहीं दे सके, अमृत काल में देश को मजबूत बनाने का मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह में कहा, आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों को जीवन बलिदान देने के अवसर नहीं मिला, लेकिन अमृत काल में हमें भारत को मजबूत, विकसित और समावेशी बनाने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने योग, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लोकप्रिय बनाने में मीडिया की भूमिका का सराहना। कांग्रेस के अधीर रंजन ने कहे, जब हमें साथ लड़ने की जरूरत है तो कुछ राजनेता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को कहा कि जब जरूरत है कि हमें एक साथ लड़ना चाहिए तो कुछ राजनेता G23 नेता ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी हर कांग्रेसी से बातचीत के लिए तैयार है। बकौल अधीर, अगर उनकी मंशा सही है तो वे सोनिया गांधी से बात क्यों नहीं करते। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 20 लाख बैरल रूसी क्रूड ऑयल खरीदा। PTI ने गुरुवार को बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 20 लाख बैरल रूसी क्रूड ऑयल खरीदा है। इसे पहले रिपोर्ट में कहा गया था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारी छूट के साथ रूस से 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदा था। IOC ने कथित तौर पर यह क्रूड ऑयल 20-25 बैरल के क्रूड पर खरीदा था। गुजरात के स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाई जाएगी भागवत गीता। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू बघानी ने गुरुवार को बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य के सभी स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल किया जाएगा। बकौल बघानी, स्कूलों में भगवत गीता के अध्ययन के लिए किताबें और ऑडियो वीडियो सामग्री दी जाएगी। 19 मार्च यानी आज होगा पंजाब में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। पंजाब के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 19 मार्च यानी आज 11 बजे होगा। 17 मंत्रियों के फिलहाल 10 मंत्रियों के शपथ लेंगे। मंत्रियों के शपथ लेने के बाद 12:30 बजे भगवंत मान की पहली कैबिनेट की बैठक पंजाब सचिवालय में होगी। बुधवार को 16 मार्च
आप नेता भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली थी। शहीद भगवत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई थी। चीन में कोरोना, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दी हिदायत। चीन में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। केंद्र ने राज्यों को कहा कि वे इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और श्वसन संबंधी गंभीर संक्रमण की फिर से निगरानी शुरू करें। शुरुआती संकेत ज्यादा न हो और कोविड नियंत्रण में रहें। अस्पताल में भर्ती मरीजों की कोविड जांच कराई जाएगी और संक्रमित नमूनों को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजा जाएगा। 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को सिलेबस में शामिल किया जाएगा धार्मिक ग्रंथ। कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध के बीच गुजरात सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में घोषणा की है कि भगवद्गीता शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य भर में कक्षा 6 से 12 के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में हिस्सा होगी। शिक्षा मंत्री जीतू बाघानी ने शिक्षा विभाग के लिए बजट आवंटन पर चर्चा के दौरान विधानसभा में यह घोषणा की है। पेंशन में जल्द होगा इजाफा, 1 करोड़ को मिलेगा लाभ, जाने खाते में कितनी बढ़कर आएगी राशि। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फिर एक बार बहुमत के साथ शानदार वापसी की गई। 21 मार्च को योगी सरकार 2.0 गठन होने वाला है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं राज्य में योगी सरकार आते ही अपना वादा पूरा करेगी और 1 करोड़ गरीबों को बड़ा तोहफा देगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नई सरकार गरीबों की पेंशन राशि बढ़ाने की तैयारी में है। उनके तहत हर महीने 1000 की बजाय 1500 रुपये देने की योजना है। इसके लिए जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।